तो यार आज का वीडियो शुरू करने से पहले यार आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फैंस और सब्सक्राइबर्स मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोल रहे थे कि भाई आप अपने यूट्यूब का जो न्यू वीडियो है उसका कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों कर दिया है। तो यार आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ ऑफ ऑफ नहीं किया, ये यूट्यूब का पता नहीं कौन सा सस्ता नशा है कि वो ऑफ कर दे रहा है। मैंने कल लगभग 50 से 60 बार कमेंट्स को ऑन किया और ऑटोमेटिक 5 मिनट बाद कमेंट्स अपने आप ऑफ हो जा रहा है। पता नहीं ये यूट्यूब का कौन सा सस्ता नशा है। मुझे तो यार इतना कल गुस्सा बढ़ा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और हो सकता है बहुत सारे क्रिएटर्स भी यही वाला सेम चीज को फेस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इस बारे में कल सैम बॉय से भी बात किया तो उसने कहा कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो पता नहीं यूट्यूब का कौन सा सस्ता नशा है। यूट्यूब जल्दी से इसे ठीक करो वरना ठीक नहीं होगा। तो चलो यार अब बढ़ते हैं अपने एनिमे अपडेट्स की तरफ। तो हमारा सबसे पहला अपडेट है डिमन स्लेयर सीजन 1 से लेकर तो फाइनली अब ये अवेलेबल हो चुका है क्रंची रोल पर। जी हाँ दोस्तों, इसका सीजन 1 क्रंची रोल पर अवेलेबल हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल ये जापानीज डब के साथ आया है विथ इंग्लिश सबटाइटल। लेकिन बहुत जल्द आपको ये हिंदी डब के साथ देखने को मिलने वाला है क्योंकि हिंदी डब का काम शुरू हो चुका है, ऐसा हमारे सोर्सेस ने बता दिया है। हमारा दूसरा अपडेट है नेटफ्लिक्स के वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 से लेकर जो कि प्रीमियर होने वाला है 2024 में और जो इसका शूटिंग है ये स्टार्ट होगा जून 2024 से। इसके बाद डिमन स्लेयर हसीरा ट्रेनिंग आर्क का जो एनिमे है ये 4 मई को रिवील होगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है बुरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स से तो इसका वॉल्यूम 2 का न्यू ईयर कवर पेज बाहर आया है जिसको आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट अपडेट है क्रंची रोल के न्यू हिंदी डब एनिमे से लेकर तो बार टेंडर ग्लास ऑफ गॉड का हिंदी डब एपिसोड 1 अब फाइनली क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है तो आप इसको देख सकते हो। हमारा अगला अपडेट है कागुरा बाची के मांगा से लेकर तो इसने 2,00,000 से ज्यादा कॉपी बेच दिया है 1 साल के अंदर। हमारा नेक्स्ट अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर, जैसा कि आपको पता होगा कार्टून नेटवर्क इंडिया जोरो शोरों से वन पीस एनिमे हिंदी डब का यार प्रमोशन कर रहा है। कॉमिक कॉन में भी उसने यार बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था। इनफैक्ट कि लूफी के जो वॉइस एक्टर है वैभव ठक्कर, उन्होंने भी वहाँ पर आके बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया था। वहाँ पे पोस्टर भी बांटे गए थे, फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया गया था। लेकिन फैंस कार्टून नेटवर्क इंडिया से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया सीधा वानो आर्क से स्टार्ट कर रहा है जबकि उसको एपिसोड 1 से लाना चाहिए था, ऐसा फैंस का मानना है। फैंस सिर्फ एक ही बात यार बोल रहे हैं कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ओडा के 20 साल के मेहनत पर मूत दिया, 900 एपिसोड्स को यार उसने स्किप कर दिया। और बहुत सारे लोग यार कैंपेन भी कर रहे हैं कि कार्टून नेटवर्क इंडिया एपिसोड 1 से शुरू कर दे। यहाँ तक कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पर वो भी यार कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन गोकू टीम, हिंदी एनिमे स्मोकर्स और भी बहुत सारे। और उन्होंने कहा है कि कार्टून नेटवर्क प्लीज़ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वन पीस जो आप लोग ला रहे हो तो उसको यार सीधा वानो आर्क से मत लाओ, अगर लाना है तो एपिसोड 1 से लाओ क्योंकि वानो आर्क से स्टार्ट करोगे तो न्यू ऑडियंस बिल्ड नहीं होगी, वो छोड़ देगी क्योंकि यार उनको स्टोरी समझ में ही नहीं आएगी, इसलिए कुछ यार आप लोग करो। तो जो लोग भी यार ये सब कैंपेन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 5 में बहुत जल्द आने वाला है संडे और मुझे नहीं लगता कि कार्टून नेटवर्क इंडिया कुछ भी करेगा। वो वानो आर्क से ला भी रहा है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही वो ला रहा होगा। तो 5 मई से जो लूफी का वन पीस का एपिसोड आने वाला है वानो आर्क का, तो वो वानो आर्क से ही आएगा, एपिसोड 1 से नहीं आएगा। तो ये सब कोशिश करना बेकार है। देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहेगा, ये सब करके बस वक्त की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। तो चलो आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको आज का एनिमे अपडेट्स कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही एनिमे अपडेट्स के लिए फैक्ट थ्योरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो टाटा बाय बाय।